हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। ये हमारे सीबीएसई क्लास 12 मैथ के चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस का सबसे लास्ट टॉपिक है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर साल इस टॉपिक से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए समझते हैं कि इन्वर्टिबल फंक्शंस होता क्या है। तो चलिए इसको समझने के लिए पहले इसकी हम डिफिनेशन लिखते हैं। तो लिखिए ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल। ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट a function if there exists a function g such that y to x if there exists a function g such that y to x such that g o f equal to I x and f o g equal to I y g o f equal to I x and f o g equal to I x, then the function g is called the inverse of f and is denoted by एफ इनवर्स। ये हमारा हो गया कौन सा फंक्शन? इन्वर्टिबल फंक्शन। चलिए इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल। तो जो फंक्शन एफ ही हमारा जो गिवन है, ये फंक्शन कैसे गिवन है? ये रहा हमारा फंक्शन एफ सच दैट कहाँ से कहाँ जा रहा है, एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल। इस फंक्शन एफ को हम इन्वर्टिबल, इसका इन्वर्टिबल तभी डिफाइंड होगा जब एक कोई दूसरा फंक्शन कैसे एग्जिस्ट करे, ए फंक्शन ये वाला जी सच दैट ये कहाँ से कहाँ जाए, वाई टू एक्स इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी सच दैट वाई टू एक्स। और इसके साथ एक कंडीशन ये भी होती है कि अगर हम इसका निकालें जी ओ एफ इक्वल टू आई एक्स और एफ ओ जी इक्वल टू क्या आ जाए, आई वाई, इसका मतलब ये एक्स और वाई, जी ओ एफ ऑफ एक्स आई एक्स इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्या आ जाए, एक्स, और एफ ओ जी ऑफ आई वाई निकालें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाए, वाई, देन फंक्शन जी। तब इतनी जब कंडीशन, दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया। पहली कंडीशन क्या थी, फंक्शन जी एक दूसरा फंक्शन एग्जिस्ट करे, कैसा फंक्शन, ये वाला जी सच दैट वाई टू एक्स एक फंक्शन एग्जिस्ट करे, और साथ में एक कंडीशन और सेटिस्फाई करे, क्या, जब हम क्या निकालें, जी ओ एफ ऑफ एक्स निकालें, आई एक्स मतलब एक्स, आई एक्स को क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये एक्स आती है, और इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या आती है, वाई। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तब हम कहते क्या है कि द फंक्शन जी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ एफ। तो यही जो फंक्शन जी होता है ये एफ का क्या कहलाता है, इनवर्स, एंड इज डिनोटेड बाय एफ इनवर्स। और इसी को किससे डिनोट करते हैं, ये एफ इनवर्स से। तो हम यहाँ दो चीज़ पढ़े, क्या इन्वर्टिबल फंक्शन और इनवर्स फंक्शन भी सीखे कि इनवर्स कैसे निकलता है। ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई कर देगी तो उसका, उस फंक्शन को कौन सा फंक्शन बोलेंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन। और जो ये लास्ट वाला फंक्शन क्या हो जाता है, जी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ एफ, और इसको किससे डिनोट करेंगे, एफ इनवर्स से। ठीक, इसकी एक डिफिनीशन और होती है, इसको समझते हैं। चलिए इसके लिए एक और लिख लें, दस ये ले लीजिए, इफ एफ इज इन्वर्टिबल, दस इफ एफ इज क्या हो जाए, इन्वर्टिबल, देन एफ मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू
फंक्शन, देन f मस्ट बी क्या होना चाहिए, 1 1। अगर हमारा फंक्शन f, जो ये f है, अगर ये फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल मतलब क्या, इसका इन्वर्स फाइंड आउट हो जाए, इसका इन्वर्स हम निकाल सकें, तो इसकी कंडीशन क्या होती है, जो f होता है वो मस्ट बी क्या होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू। तो इसका मतलब अगर कोई फंक्शन f इन्वर्टिबल हो गया तो क्या होगा, वो 1 1 और क्या हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा। और इसी का कन्वर्स हम ये भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए कन्वर्सली इफ f इज 1 1 एंड ऑन टू, देन f मस्ट बी इन्वर्टिबल, देन f मस्ट बी इन्वर्टिबल। तो किसी फंक्शन को अगर हमें इन्वर्टिबल दिखाना हो तो उस फंक्शन को हम क्या दिखा दें, कि अगर वो 1 1 भी हो गया और 1 2 भी हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा। अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाए तो अपने आप क्या हो जाएगा, 1 1 और 2। तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि इसको क्या दिखाना हो, इन्वर्टिबल दिखाना हो और इसका क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना हो, या तो हम ये टेक्निक लेके चलेंगे या फिर इससे, दोनों से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन, डेफिनेशन नोट कर लीजिए। अब चलिए एक यहाँ पे एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल नोट करिए, देखिए एग्जांपल, लेट एफ सच दैट n to y be a function defined by क्या है, f of x equal to 4x plus 3, where लिख लीजिए, where y belongs to n such that y equal to 4x plus 3 for some x belongs to n, so that f is invertible, and find the inverse of f, find the inverse of f। ओके, अब चलिए इसको समझने के लिए सबसे पहले इस फंक्शन को हम डिफाइन कर लेते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है। ये हमारा फंक्शन है f, सच दैट कहाँ से कहाँ जा रहा है, नेचुरल नंबर टू y बी अ फंक्शन डिफाइन बाई, और ये डिफाइन कैसे कर रहा है, fx इक्वल टू क्या है, 4x प्लस 3। ठीक, ये हमारा फंक्शन है कोई f, इसको हम इस फंक्शन को क्या दिखाना है कि ये फंक्शन कौन सा फंक्शन हो जाए, इन्वर्टिबल हो जाए, और इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स। तो इसका इन्वर्टिबल होने के लिए दो कंडीशन का फुलफिल होना कंपलसरी है। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इस फंक्शन के लिए एक फंक्शन हमें कौन सा मिल जाए, g सच दैट वो क्या हो जाए, y टू n। चलिए इसको समझते हैं आखिर ये है क्या। तो देखिए fx इक्वल टू 4x प्लस 3, ये क्या है हमारा, नेचुरल नंबर है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा इसकी क्या रहेगी, वैल्यू दी रहेगी। तो यहाँ से fx मतलब ये क्या, y की वैल्यू, जब हम यहाँ क्या पुट करेंगे, 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। यहाँ 2 पुट करेंगे तो 4 2 8 और 3 11, तो 1 7 पे 2 11 पे ऐसे इसकी वैल्यू मिलती चली जाएगी। ये तो हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप, जैसे हम लोग ऑन टू फंक्शन के लिए सॉल्व करते थे, सबसे पहले लिखेंगे लेट y बिलोंग्स टू कैपिटल y, इसमें ले लिए y belongs to, ये क्या है, कोई हमारा आर्बिट्ररी एलिमेंट y है, कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट y ले लेंगे,
जो किस में बिलोंग करेगा, इस y में, और ये क्या हो जाएगा, सच दैट ये ले लेते हैं y इक्वल टू 4x+3। यही आन टू के लिए हम लोग सॉल्व करते थे ना, एल्गोरिथम जो किए थे, ठीक। अब यहाँ पे करेंगे क्या, x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड आउट करेंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस 3/4। ये जब वैल्यू मिल गई, अब हमारी पहली कंडीशन क्या है कि हमें एक कोई ऐसा फंक्शन मिल जाए, कौन सा, g सच दैट क्या मिल जाए, g सच दैट y टू क्या होना चाहिए, n, ठीक। अब ये देखिए x इक्वल टू y माइनस 3, इसका मतलब ये फंक्शन किसका है, y का है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं g ऑफ y इक्वल टू y माइनस 3/4। अब चलिए इसको चेक करते हैं कि ये फंक्शन इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं। देखिए g सच दैट y टू n, हम यहाँ पे y की वैल्यू चाहे जो ले लें, तो y की वैल्यू क्या ले सकते हैं, y की पहली ही वैल्यू हमारी 7 है, y भी रिस्ट्रिक्ट है, y की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 7 लेंगे, 11 लेंगे, और भी जो वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो रही है, तो हम यहाँ पे पुट कर दिए y इक्वल टू 7, ओके। y इक्वल टू, जैसे यहाँ पे 7 पुट करेंगे तो ये 7-3/4 ये क्या आ गया, 1। तो इसका मतलब दूसरा फंक्शन ये g सच दैट y टू, तो 7 कहाँ पे चला गया, 1। जब 11 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2। इसका मतलब ये वाला फंक्शन क्या हो गया, डिफाइंड हो गया, कौन सा, g सच दैट y टू n। तो इसका मतलब ये पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गया, फुलफिल कर गया। अब इसकी दूसरी कंडीशन हम डिफाइन करेंगे, और वो क्या होगा, ये तो मिल गया ना, जी वाई सच दैट जी वाई इक्वल टू वाई माइनस 3/4 सच दैट जी सच दैट वाई टू कहाँ जा रहा है, एन। अब चलिए इसकी दूसरी कंडीशन के लिए क्या निकालेंगे, अब स्टेप बाय स्टेप ये समझिए। सबसे पहले जी ओ एफ ऑफ एक्स क्या फाइंड आउट करेंगे, जी ओ एफ ऑफ एक्स, तो हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में पढ़ा था इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, g ऑफ एफ एक्स, और हमारा एफ एक्स क्या डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू 4x+3, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे 4x+3, ओके। और यहाँ से देखिए हमारा g ऑफ y क्या डिफाइंड है, y माइनस 3, तो इस पूरे को हम क्या कंसीडर करेंगे, y कंसीडर करेंगे, ये सब प्रैक्टिस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में हम लोग, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4x+3 और माइनस 3/4 क्या हो जाएगा, 4, 3, 3, और ये 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, x। तो जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मिल गया, x। और इसके बाद से फिर निकालेंगे एफ ओ जी ऑफ y, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ y, ओके। तो यहाँ से एफ ऑफ और जी ऑफ y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y माइनस 3/4, और हमारा इसके बाद एफ एक्स इक्वल टू क्या डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू 4x+3, तो यहाँ पे करेंगे क्या, x की जगह पे इसको रिप्लेस कर देंगे y माइनस 3/4, और फिर क्या है, प्लस 3, ये कैंसिल हो गया y माइनस 3, इसकी भी वैल्यू क्या आ गई, y। तो यहाँ से देखिए जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मिला, x, और एफ ओ जी ऑफ y की वैल्यू क्या आ गई, y। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, देखिए जी ओ एफ ऑफ एक्स की भी वैल्यू एक्स आ गई, और एफ ओ जी ऑफ वाई की भी वैल्यू क्या आ गई, वाई आ गई। इसका मतलब ये क्या हो गया, दूसरी कंडीशन को भी इसने सेटिस्फाई कर दिया। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, कौन सा फंक्शन हो गया, इन्वर्टिबल फंक्शन विथ, इन्वर्टिबल फंक्शन विथ, यहाँ पे आपका मिल जाएगा एफ इनवर्स, एफ इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा एफ इनवर्स इक्वल टू y माइनस 3/4, ये हमारा क्या हो जाएगा, f इनवर्स इक्वल टू y माइनस 3/4, ओके। यही हम लोगों को क्या करना रहेगा, फाइंड आउट करना रहेगा, क्लियर। तो देखिए इस क्वेश्चन में करेंगे क्या कि जब भी क्वेश्चन हमारा दिया रहेगा, पहला क्या है f such that n to y, तो हमें एक दूसरा कौन सा फंक्शन फाइंड आउट करना होगा, g, और g फंक्शन कैसा होगा, वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, y टू n, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करते समय परेशान नहीं होना है, जो आन टू के लिए हम लोग सॉल्व करते थे कि लेट वाई बिलोंग्स टू इस वाले में, रेंज वाले में, कोडोमेन वाले में, ठीक है। तो करते क्या थे, वाई बिलोंग्स टू वाई, और इसके बाद से जो भी वाई क्या करते थे,
एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई फाइंड आउट कर लेंगे, यही हमारा जी ऑफ वाई मिल जाएगा। और इसके बाद से कंपोजिशन का सिंपल यूज करके जी ओ एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, यहाँ अगर एक्स आ जाए और इसके बाद से एफ ओ जी एफ वाई यहाँ पे क्या आ जाए, वाई आ जाए, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। और यही जो वैल्यू आती है जी एफ वाई, यही क्या होता है, इसी को हम एफ इनवर्स कहते हैं, यही हमारे देन फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। तो हमारा एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ एफ मतलब एफ इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई माइनस थ्री अपॉन फोर। ओके, तो चलिए इसके बाद से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक इस पूरी डिफिनेशन को समझिए और इसको प्रैक्टिस करिए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगा के पढ़ते रहिए।